आज मैं बना रही हूँ आपके लिए स्वीट एंड सॉल्टी क्रंची चिकन। तो शुरू कर लेते हैं वक्त जाया किए बगैर। इसके लिए मैंने सबसे पहले, इसके तीन स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप से हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, और चिकन को मैंने ऐसे कट कर लिया है, ये साइज चाहिए इस तरह से कट कर लिया है। और फिर चिकन में हम डाल देंगे साथ ही साथ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल देंगे, और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून हमने विनीगर डाल दिया है सिरका, और 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है चिली पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, नमक और सूख मिर्च। ये ऐड कर देंगे, और जनाब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन एंड गार्लिक, ये डाल देंगे हम लोग। जिंजर और गार्लिक चला गया, और जनाब इसमें मैं ले लूंगी सोया। सोया को मैंने अच्छे से धोकर इसे ब्रिक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड, और मस्टर्ड आपको जितना पसंद है उतना डालिए, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस पे 1 टेबलस्पून डाल दिया है, और मिक्स हर्ब्स डाल देंगे इसमें, ये भी आपको जितने अच्छे लगते हैं आप उतने डालिए। 1 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको मैंने मिक्स कर दिया, इसे रख देंगे हम। चिकन है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आधा घंटा भी बस है, आधे घंटे के लिए आप इसे रख दें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो चिकन को हमने रख दिया है, उसके बाद हमने एक सॉस तैयार करना है। उस सॉस के लिए मैंने ले लिया है वहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने हनी ले लिया है। हनी मेरा फ्रिज में था इसलिए इस शक्ल में है, इसे थोड़ी देर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, और इसका हम एक सॉस तैयार करेंगे। और थर्ड स्टेप जी, तो थर्ड स्टेप है कोटिंग का, और कोटिंग के लिए हमने ले लिया है 1 अंडा, जिसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी, और 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, ब्रेड क्रम्स। मेरे घर में ब्राउन ब्रेड होती है तो ये मैंने ब्राउन ले ली है, अगर दूसरी ब्रेड है तो भी चलेगी। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो क्रम्स हैं, क्रम इसमें हम ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने सूख मिर्च ले ली है, और साथ मैंने ले लिया है चिकन पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे, इसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब हम चिकन की कोटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हम चिकन की कोटिंग कर लेते हैं, एक एक स्लाइस को हम ले लेंगे इस तरह से। मैदे में डिप किया हमने अच्छे से, और मैदे में हमने कोई चीज भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं, इसको अच्छे से झाड़ लिया। और फिर हमने अंडे में डिप किया है, और फिर इसी तरह हमने क्रम्स को भी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कोट कर लिया है सारा, इस तरह से सब बना लेते हैं, सब हम इसी तरह से बना लेते हैं। कोटिंग करके सबकी रख ली है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे हम, इसे 1 by 1 करके हम फ्राई कर देंगे।
ये हो चुके हैं, मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके, ये सब निकाल लेंगे। मैं इस पैन में हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल होगा, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इस पैन में हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, सोया सॉस डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दी हैं और हनी डाल दिया है। इसका हम अच्छा से एक सॉस बना लेंगे। सॉस बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो ये चिकन के ऊपर ये सॉस डाल लें, चाहे चिकन को इसमें कोट कर लें। मैं चिकन को इसके अंदर डालकर कोट करने वाली हूँ। मैं चिकन को इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं इसमें कोट कर लूंगी। दिखाती हूँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा स्वीट एंड सॉल्टी क्रंची चिकन बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है, मुझे तो बहुत पसंद है और इसकी सॉस का जो टेस्ट है वो बहुत उम्दा आया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। साइमा को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, खुश रखिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।